नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अमीर बनने के लिए, स्थायी धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए ज्योतिष और मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊँगा। ऐसे सूत्र जिनको जानने, समझने और आपके जीवन में अप्लाई करने के बाद आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में आपको देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र, इन दो ग्रहों का गंभीरता से अध्ययन करना है। दोस्तों, हमारी ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के, यानी कि धन, वाणी और कुटुंब के कारक माने जाते हैं। लग्जरी लाइफ के, खूबसूरती के, ऐश्वर्य के कारक शुक्र होते हैं। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह मजबूत होते हैं वह तो ऑलरेडी अमीर आदमी होते हैं। एक ग्रह के कमजोर, एक ग्रह के मजबूत होने पर व्यक्ति मीडियम होता है और दोनों ग्रहों के जीवन में डाउन होने पर व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी पैसे वाला नहीं बन पाता। तो आपको सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों का अध्ययन करने के पश्चात जो भी ग्रह इनमें कमजोर हो, ज्योतिषी की सलाह से उससे संबंधित मंत्र जाप करें, दान करें या रत्न धारण करें, अपने शुक्र और बृहस्पति इन दोनों को स्ट्रॉन्ग रखें तो आपको जीवन में कभी पैसे की कमी, ऐश्वर्य की कमी नहीं लगने वाली है। नंबर दो, दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पीड़ित होने पर, चंद्रमा के पाप दृष्ट होने पर, चंद्रमा के पाप कर्तरियोग में होने पर, चंद्रमा के अति बाल्य अति वृद्ध अवस्था में होने पर चंद्रमा संबंधित उपाय भी करने चाहिए, खासकर रुद्राभिषेक। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में पहले, नौवे, दसवे और ग्यारहवे, ये चार भावों में आपको देखना है कि इनमें कौन सा ग्रह बैठा है। ये चार भावों में जहां पर भी कोई ग्रह बैठा हो वह आपके लिए राजयोग कारक होता है, वह आपको जीवन भर धन प्रदान करता है। चाहे उच्च राशि में बैठा है, चाहे नीच राशि में बैठा है, चाहे अपने घर में बैठा है, चाहे शत्रु के घर में बैठा है। उच्च में बैठा है तो उच्च धन की प्राप्ति होगी, नीच में बैठा है तो थोड़े से कष्ट से पैसा मिलेगा, शत्रु के घर में है तो टेंशन से पैसा मिलेगा, मित्र घर में है तो आराम से पैसा मिलेगा। लेकिन आपको पैसा देगा वही ग्रह जो आपके लगन में नौवे, दसवें और ग्यारहवें, इन चार घरों में से कहीं भी बैठा होगा। तो आपको देखना है आपकी जन्म कुंडली में इन घरों में कौन कौन से ग्रह या कौन सा ग्रह बैठा है। ज्योतिषी की सलाह से उस ग्रह से संबंधित मंत्र, रत्न और दान पुण्य, ये तीनों पर आप काम करें, मेहनत करें, आपको पैसे वाला बनने से, अमीर बनने से इस जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। ये ज्योतिष का पूरा रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अब मनोविज्ञान पर बात करते हैं। यदि आपको पैसा कमाना है तो हाथ पैर चलाने के साथ साथ थोड़ा माइंड चलाना भी आप सीख लेंगे तो कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी कंफ्यूज ना रहें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संशया आत्मा विनश्यति, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जो लोग जीवन में कन्फ्यूज रहते हैं वह कभी भी धनवान नहीं बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी ना तो किसी को आपके जीवन में इंटरफेयर करने दें, ना कभी किसी रिश्तेदार के, आलतू फालतू आदमी के जीवन में इंटरफेयर करें। जो लोग दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं या जिनके जीवन में कोई दूसरे अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं उनके जीवन का 65-70% टाइम बेफालतू में खराब हो जाता है। और जिसका 70% टाइम खराब हो जाएगा वह पैसे वाला बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। जो आपके धार्मिक गुरु हैं, जो आपके व्यापारिक सर्किल है, आपके फ्रेंड सर्किल है, वहाँ अपना समय दें, अपने व्यापार से संबंधित लोगों से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी टू द पॉइंट, केवल व्यापार की बात करें। जो व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते हैं या स्वीकार करते हैं, दोनों कंडीशन में आदमी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा।
दोस्तों, यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो किसी भी देवता का, किसी भी विधि से, किसी भी धर्म के अनुसार कोई ना कोई मंत्र आपको डेफिनेटली जाप करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में एक घंटे की साधना आप अवश्य करें, आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताने जा रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ बेवकूफ़ लोग सोचते हैं कि वह छोटी छोटी चीज़ों में पैसा बचाकर अमीर बन जाएंगे। आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, बच्चों खाने पीने का सामान है, आपकी धर्मपत्नी की ज़रूरत हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरह से घर खर्च में कटिंग करके कैंची लगा करके आज तक कोई पैसे वाला नहीं बन सका, नहीं बन पाएगा। ऐसा करने से गरीबी आती है, घोर दरिद्रता आती है। अपना दिल बड़ा रखें, अपनी हैसियत के अनुसार हाथ खोल कर खर्च करें। आप खर्च करेंगे, परमात्मा आपको और देने वाला है, कन्फर्म, बिल्कुल आपको 100% बोल रहा हूँ। दोस्तों, अपने कपड़े, अपने जूते, व्यक्तिगत सामान में कभी भी आप संकोच न करें। वह ईश्वर उसकी व्यवस्था करते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र उसकी व्यवस्था करते हैं, आपके पुण्य कर्म उसकी व्यवस्था करते हैं। इस तरह से पैसा बचाने से कभी भी व्यक्ति पैसे वाला नहीं बन सकता। व्यक्ति पैसा बचाने से नहीं, पैसा कमाने से अमीर बनता है। कामना करता हूँ आप, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोज के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए